इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सारी मिरपर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन कोरलड्रॉ के बारे में है और कोरलड्रॉ X8 एक लेटेस्ट वर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग का प्रोग्राम है और स्टार्ट करते हैं कोरलड्रॉ X8। दफ़ा हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 3D इफेक्ट को अप्लाई करने के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम एक बॉक्स ले लेते हैं और बॉक्स लेने के बाद अगर इसके ऊपर हम यहाँ से कोई शेडो अप्लाई करें, शेडो नहीं अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, एक्सप्लोर टूल से इस तरह 3D इफेक्ट अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको अगर हम कलर कर दें और यहाँ से, बल्कि इसको हम कलर नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ से जाके फिल करेंगे, ठीक है। फिल करने के बाद इसको इस रोटेशन से हम इसको थोड़ा सा इस तरह रोटेट कर लेंगे, आराम से थोड़ा थोड़ा करना है ताकि ये ज़्यादा गड़बड़ ना करे। इस तरह करने के बाद फिर इसको हम थोड़ा सा साइज़ इसका कम करेंगे इस तरह, और अभी इसके अंदर अगर हम कलर करें तो ये इस तरह एक हमारा बक्स बन जाएगा। हम कंट्रोल जेड करते हैं, वापस जाते हैं और यहाँ पे इसके कॉर्नर को राउंड कर लेते हैं पहले, फिर इसके ऊपर कोई काम करते हैं। कॉर्नर राउंड करने के बाद जब कॉर्नर राउंड हो जाए तो अभी इसके ऊपर हम जो है वो यहाँ से एक्सट्रूड टूल को अप्लाई करेंगे। इस तरह अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर जो है वो यहाँ से कलर अप्लाई कर देंगे। कलर अप्लाई करने के बाद यहाँ से रोटेशन में जाके इसको थोड़ा रोटेट कर लेंगे। आराम से करना है नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इतना हम करेंगे, ठीक है जी। करने के बाद इसको थोड़ा साइज छोटा करेंगे, इतना करने के बाद इसके अंदर कोई एक कलर कर देंगे यहाँ पे। अभी हम जो है वो इसको सिलेक्ट करके इसको हम ब्रेक एक्सट्रूड ग्रुप करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके हम इंटरेक्टिव फिल टूल लेंगे और यहाँ से इसको हम, ठीक है जी। तो इसको हम जो है वो भी कलर थोड़ा डिफरेंट करेंगे। इसके अंदर हम कलर कर देते हैं यहाँ, इसको सिलेक्ट करके हम
यहाँ पे एक नोड हम ऐड करेंगे और इस नोड के अंदर हम अच्छा ये ठीक है, यहाँ पे इसकी लाइट आ रही है और इसको हम जो है वो अभी ऊपर देखते हैं। इसके ऊपर जो है लाइट हमारी इस साइड पे जा रही है, इस साइड पर, तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क कलर डालेंगे। ठीक है जी, ये लाइट हमारी इस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये ज़्यादा डार्क हो गया। इसके अंदर हम यहाँ से एक कलर डालेंगे, ये कलर डाल देंगे थोड़ा सा। उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, वाइट कलर करेंगे, आउटलाइन ख़त्म करेंगे, कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे और इसको हम यहाँ पर जाके ब्लर में जाके हम गॉसियन ब्लर करेंगे और गॉसियन ब्लर में जाके हम इसको थोड़ा सा इस तरह एक लाइट दे देंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो 3D इफेक्ट हो गया, पर यहाँ पे थोड़ा सा मैं करना चाहता हूँ चेंज। इसके अंदर कलर हम जो है वो तो ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट जो है वो तकरीबन तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो 3D इफेक्ट देके तैयार कर सकते हैं। तो अभी इसको हम जो है वो यहाँ ऊपर जो है वो थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही हम रखें। तो यहाँ से हम इसको ये इफेक्ट भी दे सकते हैं। ये इफेक्ट ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हम कोई इफेक्ट दे सकते हैं। ये इस तरह कोई इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये हमारा 3D इफेक्ट इस तरह भी हो सकता है, अच्छा है, मतलब आपकी मर्जी है, आप इसको जिस तरह भी करना चाहें कर सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दिया, कंट्रोल जी करने के बाद अभी ये जिधर भी जाएगा। अच्छा, अभी तक ये सेलेक्ट करके कंट्रोल जी नहीं हुआ, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसको वापस। अब ये सिलेक्ट हो जाए, चूँकि इसके ऊपर काफ़ी हैवी इफेक्ट अप्लाई हुए हुए हैं तो इसलिए जो है ये हरकत करता है जब, तो पता चलता है कि जो है ना काफ़ी टाइम लगाता है। अब ये कंट्रोल जी हमने कर दिया, जी करने के बाद इसको आप जिधर भी ले जाना चाहें ले जाएं, तो आपका ये 3D इफेक्ट तैयार हो गया।
और मुझे उम्मीद है कि आपकी इसकी समझ आई होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आगे ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपका हमनसर हो। अल्लाह हाफिज़।